हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। आज बहुत दिनों बाद फिर से ब्लॉग में, बहुत ही दिन, कम से कम एक साल हो गया लास्ट ब्लॉग को, एक साल के करीब होने चल रहा है। तो अभी ब्लॉग, नया ब्लॉग अभी तो रेगुलर आना चाहिए, कोशिश करूँगा आपके लिए रेगुलर ला सकूँ अभी। आज मैंने घर से निकल के सीधा कहाँ जा रहा हूँ ये तो आपको संभल देख के पता चल ही जाएगा। तो बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ सागर के चार बार पावर प्लांट, तो जो मेरे घर से करीब 40 या 42 किलोमीटर के करीब है। तो अचानक से ही प्लान बना, मेरा कुछ काम था जो वार्ड पे नहीं गया, इसीलिए तो बजे अभी घर में ही बैठा था। तो सोचा चलो घूम कर भी आने का, बहुत दिन से ब्लॉग भी बहुत ही लेट हो गया ब्लॉग बनाने में, करीब एक साल तक ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। एक साल के बाद फिर से नया सेटअप सब कुछ लेकर ब्लॉग स्टार्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ मेरे घर से 40 या 42 किलोमीटर और 1 घंटा 10 मिनट ऐसा कुछ बोल रहा है। तो क्योंकि ये हाईवे नहीं सटी थोड़ा तो खाली ही रहता है, उधर से फोर लेन है तो वो तो पूरा खाली रहता है, तो दिक्कत नहीं है वो बोल रहे हैं। अभी तो यहाँ पर जितना तो कुछ ज़्यादा ही मज़े लेके गाड़ी चला रहा हूँ आज, बहुत ज़्यादा स्लो चला रहा हूँ कि अभी भी 47 मिनट मुझे लगने वाले हैं वहाँ जाने के लिए, तो थोड़ा सा मुझे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाऊँगा। चलो निकलते हैं अभी, आज बात करते हैं बाद में जाके, बाद में कहीं पर बात करते हैं। फ़र्क का यहाँ से 82 किलोमीटर, मतलब अगर 80 किलोमीटर में जाऊँगा यहाँ से, अगर 80 किलोमीटर में जाऊँगा मतलब करीब करीब 1.5 से 2 घंटा, तो फ़र्क का जब ब्रिज है उसके ऊपर हूँ मैं करीब, अगर मैं जाता हूँ तो वो भी जाऊँगा। अगले हफ्ते शायद कुछ और प्लान है मेरा, अभी तो 2-3 हफ्ते का प्लान कुछ और ही बनाया हुआ है, शेड्यूल बनाया हुआ है, तो देखते हैं इस हफ्ते मैं कहाँ जा सकता हूँ, अब उसी के ऊपर पूरा डिपेंडेड है। जबकि सबसे कहाँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा वो पूरा डिपेंडेड है उसी के ऊपर, शेड्यूल के हिसाब से अगर चलेगा तो अगले हफ्ते कहीं और देखने को मिलेगा, कोई और सीन आपको देखने को मिलेगा।
बहुत जल्दी ही मिलना चाहिए वो आप लोगों को। अरे भाई अरे भाई अरे भाई क्या कर रहे हो भाई। तो यहाँ से बीस बाईस किलोमीटर आने के बाद यहाँ से सीधा मैं कट जा रहा हूँ इसी रास्ते से और 20 किलोमीटर अंदर तक मुझे जाना है। मेरा डेस्टिनेशन है आज का और फ्रेंड वो यहाँ से और 20 किलोमीटर। इसको पकड़ पहुँच जाना है 20 किलोमीटर। थोड़ा एक चीज़ मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा हाथ में टाइम लेके मुझे आना चाहिए था। ये जो चीज़ था मैंने सबसे बड़ा गलती आज वही कर दी जो मैंने टाइम लेके नहीं आया। टाइम थोड़ा सा हाथ में थोड़ा सा और टाइम लेके आता ना तो मुझे लगता बहुत अच्छा होता। बीस किलोमीटर है, 38 मिनट दिखा रहा है लेकिन 38 मिनट मतलब 5:30 बजे। इतना लेट मैं कर नहीं सकता अभी 5 बजे में हो गया, ज़्यादा लेट है नहीं। इतना लेट मैं कर भी नहीं सकता आज, देखते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाते हैं। सुखी ग्राम यहाँ का नाम है, सुखी ग्राम इस गाँव का नाम है, इस गाँव का नाम। भाई रोड बहुत मस्त मिला अभी तक, कोई भी रोड ख़राब नहीं कुछ नहीं, बहुत ही मस्त मस्त रोड मिला है अभी तक। ऐसा अगर रोड क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ बनाया है, क्या कर रहा है।
से वो इलेक्ट्रिक उत्पादन होता है। तो फाइनली ब्लॉग को वहीं ख़त्म करते हैं। और कैसा लगा आपको ये पूरा ब्लॉग, बहरमपुर से सागर दीघी तक का, ये पड़ोस तक का आपका ये पूरा ब्लॉग? ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और आप लोगों का जो अभी क्वेरी था, जो वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, लास्ट 10 या 11 महीने से भी लास्ट वीडियो नहीं आया, 11 महीने पहले लास्ट वीडियो मैंने डाला था झारखंड का, तो उसके बाद ब्लॉग चांस मतलब टाइम नहीं मिला मुझे शूट करने का, या बोल लीजिए मेरा कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं शूट नहीं कर सका। तो अभी रेगुलर ब्लॉग आना चाहिए, रेगुलर मतलब महीने में 3-4 ब्लॉग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी कुछ ज़्यादा ही प्लान है मेरा, तो देखा जाए कितना तक हो सकता है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, और क्या बोलूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक।